हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट ऑन माइनिंग इंडिया। अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो, ध्यान से सुन लेना। काफी लोग ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, बट यू नो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू लेट यू नो कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट टू डेज, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप माइनिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, इवन इफ यू जस्ट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। होता है यार, हर कोई बंदा हर दिन बाइनेंस, कॉइन मार्केट कैप, ऐसे सब हर चीजें चेक नहीं करता है। तो अगर कोई भूल गया हो, किसी ने देखा नहीं हो, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ है, पूरे साल क्या हुआ है, सेल्सियस गया है, वॉयजर गया है, ऐसे जितने भी ये है ना रिजर्व फंड वाले एक्सचेंजेस और यू कैन से कि स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब काफी बैंकरप्ट हो गए थे, राइट? और अभी लेटेस्ट बैंकरप्ट हुआ था एफटीएक्स, ठीक है? एफटीएक्स ये एसबीएफ एक बंदा है, उसकी लापरवाही के कारण दिस एफटीएक्स, इट वॉज लाइक आई थिंक टॉप फर्स्ट या सेकेंड रैंकिंग का क्रिप्टो एक्सचेंज था अमेरिका में, विच हैज जस्ट गॉन बैंकरप्ट। इस बंदे को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो इसके बाद क्या हो रहा था कि बाइनेंस वॉज थिंकिंग लाइक इट्स द मार्केट लीडर इन क्रिप्टो नाउ, बट अब क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट इज कमिंग बिहाइंड बाइनेंस एज वेल, ठीक है? तो अभी सब लोगों को लग रहा होगा यार बाइनेंस तो इतना बड़ा है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डूड, एफटीएक्स भी काफी बड़ा था, सेल्सियस भी काफी बड़ा था, वॉयजर, ऑल दीज प्लेटफॉर्म दे आर ह्यूज, दे हैड लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन देयर पोर्टफोलियो, ठीक है? मंडे को, आज तो वेनसडे है, ठीक है? तो मंडे को, परसों $900 मिलियन भाई, ये बहुत पैसा होता है। मिलियन डॉलर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, काफी लोगों को, क्योंकि अपन सब इंडिया में रहते हैं, रुपीस को ज्यादा समझते हैं। $900 मिलियन विड्रॉल हुए हैं, ठीक है? मतलब लोगों ने निकाले हैं डर के मार कि अब बाइनेंस में भी कुछ हो सकता है। फिर कल ट्यूजडे को लोग सोच रहे होंगे सेटल डाउन हो जाएगा, $1.3 बिलियन मतलब $1,300 मिलियन, राइट? $1,000 मिलियन 1 बिलियन होता है, तो $1.3 बिलियन आज की रिपोर्ट कल आएगी, $2 बिलियन भी हो सकता है, $1.5 बिलियन भी। बट व्हाट इज हैपनिंग ना, अभी देखो बाइनेंस ने क्या कहा है कि यार ऐसा बाइनेंस के साथ क्यों नहीं हो सकता जो बाकी कंपनीज के साथ हुआ, क्योंकि बाइनेंस कहता है कि हम जितना लोगों का डिपॉजिट है ना बिटकॉइन का या क्रिप्टो का, जितना भी कह लो कि जितना लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है बाइनेंस में, उससे ज्यादा है बाइनेंस के पास रिजर्व फंड में, राइट? बट ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार देखो अभी मान लो 1,000 बिटकॉइन पड़े हैं बाइनेंस में, राइट? और अब वो कह रहे हैं कि यार हमारे पास रिजर्व में भी एक मान लो 1,500 बिटकॉइन है, अभी जैसे कि 1.3 बिलियन कल, 900 मिलियन उससे पहले, राइट? तो अभी ये ऐसे ही चलता रहा तो दे विल नॉट बी लेफ्ट विद 1,500, नो, राइट? और ये कुछ नहीं हो जाएगा, दिस विल ऑल गो डाउन, दिस विल ऑल गो डाउन। तो इससे क्या होता है यार, उनका जो रिजर्व फंड होता है ना, इवन दैट गोज ऑफ वेरी फास्ट। तो कंपनीज ऐसे ही बैंकरप्ट होती हैं, इन्हें चैप्टर 11 बैंकरप्सी कहते हैं, राइट? कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे विड्रॉल्स, और दे कांट फुलफिल यू नो पेइंग गिविंग यू बैक योर एसेट्स, क्योंकि आप जो एसेट देते हो ना, अभी जैसे कि मान लो आपने एक इथेरियम भी डाला है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बाइनेंस की बात नहीं करता, तो ये लोग क्या करते हैं, इसको तो पहले लिक्विडेट कर देते हैं अपने लिक्विडिटी पूल में, राइट? और फिर अपना रिजर्व फंड बढ़ा देते हैं, और फिर जो जिसको विड्रॉल करना होता है, दे टेक आउट फ्रॉम दिस कॉमन लिक्विडिटी पूल एंड गिव यू। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, राइट? तो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे दोस्त से एक यूएसडीटी का पेमेंट, तो ही वाज सेइंग कि नहीं यार, यूएसडीटी का पेमेंट और विड्रॉल्स आर स्टॉप्ड ऑन बाइनेंस। तो मैंने और रिसर्च करी एंड आई केम टू नो कि यार एक कॉइन है यूएसडीसी, ठीक है? तो उसके भी विड्रॉल 24 आवर्स तक पॉज थे। तो उसको क्या करता है बाइनेंस क्या करता है, यूएसडीसी को एक पैक्स स्टेबल कॉइन एक रहता है, और एक रहता है इनका BUSD, मतलब बाइनेंस का खुद का स्टेबल कॉइन, ठीक है? तो इसमें कन्वर्ट कर देता है, जैसे कोई USDC आता है बाइनेंस में, तो इसमें कन्वर्ट कर देता है, राइट? और इसके लिए उसको बैंक को खुलने की जरूरत है, तो दिस दे कांट डू व्हेन द बैंक इज क्लोज्ड, राइट? ये बाइनेंस ने एग्जाम मतलब रीजन दिया है कि क्यों इट वॉज पॉज्ड फॉर 24 आवर्स, बट ऐसा नहीं है भाई, कौन सा बैंक 24 घंटे बंद रहता है? दिस इज द रीजन बाइनेंस गेव कि क्यों उन्होंने विड्रॉल स्टॉप करें। बट गाइज, मैंने ये सिचुएशन पहले भी देखी है, यू नो सिमिलर सिचुएशंस हैव हैपेंड बिफोर। जब भी ये विड्रॉल बंद करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि यार इनका जो एक्सचेंज है ना, उसमें इनका लिक्विडिटी पूल, जो इनका एक सेफ्टी पूल है, वो कम हो जा रहा है, राइट? तो अगर उसी लेवल पे, उसी लिमिट से विड्रॉल होते रहे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा, राइट? तो जस्ट फॉर सेफ्टी दे स्टार्ट पॉजिंग विड्रॉल्स। ये विड्रॉल पहले अभी यूएसडीसी का बंद कर रखा था, अब कल कोई बोल देंगे इथेरियम का विड्रॉल बंद हो जाएगा 24 घंटे के लिए, फिर BTC का विड्रॉल बंद हो जाएगा। ऐसा क्या होता है, फियर जनरेट हो जाता है, राइट? एंड देन दे विल जस्ट शट डाउन।
तो दिस इज द नॉर्मल यू नो प्लान, दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस फॉर अ कंपनी टुवर्ड्स बैंकरप्सी. ऑल्दो आई पर्सनली फील कि बाइनेंस इज अ मच स्ट्रॉन्गर कंपनी देन मोस्ट ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स विच आर फेल्ड. बट यार ये जिस तरीके से हो रहा है ना, 24 घंटे स्टेबल कॉइन के विड्रॉल पॉज कर दिए और इथेरियम के विड्रॉल इतने ज्यादा हो गए. 1.3 बिलियन बहुत ज्यादा अमाउंट होती है. कभी गूगल में डाल के देखना, 1.3 बिलियन डॉलर इनटू रुपीस, गिन नहीं पाओगे इतने जीरो होंगे, राइट? तो यार व्हाट वी हैव डन नो, कल रात को भी 2 बजे, ठीक है, मैं घर गया, घर से मैंने मेरा कोल्ड स्टोरेज उठाया एंड आई वॉज ट्रांसफरिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई बाइनेंस टू माई कोल्ड स्टोरेज. ठीक है, मतलब ट्रेजर या लेजर मैंने कल ही कल ये करा है. डोंट वेट, आलसी मत बन जाना कि यार ठीक है कोई न्यूज आ जाएगी तब कर देंगे. भाई न्यूज पता है कब आएगी, कि आप सबके विड्रॉल बंद हो गए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अब गवर्नमेंट से जाके लड़ना है. तो जस्ट बी कॉशियस, हो सकता है कुछ भी नहीं हो, बट द थिंग्स विच हैव बीन हैपनिंग अराउंड बाइनेंस यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है यार. पैसा पता है, पैसा कभी भी, मैं आपको एक चीज बता दूं, पैसा ना कभी भी कमाया नहीं जाता, राइट? पैसा हमेशा किसी और से लिया जाता है, राइट? तो अभी पैसा कैसे आता है, कमाते मना तो नहीं सकते ना पैसे को, किसी के पास से आपके पास पैसा आएगा, मतलब यू आर ऑलवेज टेकिंग मनी फ्रॉम समवन एल्स. तो अभी कोई कंपनी भी, इवन इफ इट्स अबाउट टू फेल, टेक ऑल योर मनी एंड फेल टुगेदर, ठीक है, इतने कोई दानवीर नहीं है. तो जस्ट बी कॉशियस, दिस जस्ट अ वेरी शॉर्ट कॉशियस वीडियो की यू नो टेक आउट एनीथिंग यू हैव ऑन बाइनेंस, ठीक है, और उसको अपने कोल्ड स्टोरेज या लोकल वॉलेट, मेटामास, जो भी हो, यू नो, जिसमें आपके पास प्राइवेट कीज का एक्सेस हो उसमें डाल दो अभी के लिए, फॉर द सेफ्टी, टू बी कॉशियस. ये हो सकता है कुछ भी नहीं हो, हो सकता है बस एक फड हो, राइट? कुछ ही हो सकता है, बट दिस व्हाट वी हैव बीन डूइंग एंड इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो कि यार आप भी ऐसा करना चाहो कर लो बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि हमने भी ऐसा लॉस लिया है पहले. हम भी ट्रस्ट में थे कि नहीं यार बड़ी कंपनी है कुछ नहीं हो सकता. गाइज क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, दैट इज व्हाई इट इज क्रिप्टो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कोई चीज को अडॉप्ट कर रहे हो ना, रास्ते में ऐसे काफी चीजें आएंगी, राइट? एंड सो जस्ट बी केयरफुल, बी कॉशियस, आपका पैसा है, आपके हाथ में है, ठीक है, मुश्किल से कमाया. इफ पॉसिबल आलस मत खाना और टेक आउट एनीथिंग यू हैव फ्रॉम बाइनेंस. हमने तो कर लिया है, इट्स अप टू यू नाउ. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड यू नो बी सेफ यार. बाय बाय.